नमस्ते बच्चों, मैं आज आपके सामने कक्षा 9 का हिंदी व्याकरण का दूसरा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। जो अपना पाठ है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, दूसरा होता है रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो अपने कक्षा 9 में यानी केवल और केवल अर्थ के आधार पर वाक्य ही दिए गए हैं जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि परिभाषा, परिभाषा मतलब यानी वाक्य होता क्या है, ठीक है। वाक्य होता क्या है, वाक्य के बारे में हमें जानना है। तो वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होती है। कि पदों का वह व्यवस्थित समूह होता है, व्यवस्थित समूह का मतलब होता है जैसे कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, जैसे इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब वगैरह, वैसे ही कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया के अकॉर्डिंग अगर कोई भी वाक्य बना होता है तो वो व्यवस्थित होता है। तो वैसे ही वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण मतलब पूरा अर्थ देने की शक्ति होती है, ठीक है। जैसे राम खाता है, जैसे पूरा अर्थ था वो स्पष्ट होता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम ये जानते हैं कि सबसे पहले पद कब होता है। सबसे पहले तो वर्ण होता है, वर्ण एक सार्थक वो स्वतंत्र इकाई होती है। तो वर्णों का जब सार्थक समूह होता है, वर्णों का जब सार्थक समूह होता है तो शब्द बनता है, ठीक है। जैसे अगर ट प्लस म प्लस ल होता है और तीन को जोड़ने पर कमल बनता है, तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वैसे ही यदि शब्द होता है उसका एक जो शब्द व्यवस्थित पद वो समूह होता है या जो शब्द होते हैं वो किसी एक वाक्य में बन जाते हैं तो वो पद कहलाते हैं, ठीक है। जैसे राम के लिए स्वतंत्र है तो उसे राम कहते हैं, लेकिन अगर हो गया कि राम बाग में जाता है वो पूरा वाक्य है तो उसमें हमें राम को शब्द न कहकर वहाँ पद कहेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि वाक्य क्या होते हैं। तो वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह होता है जिसमें पूरा अर्थ देने की शक्ति होती है। तो सब पढ़ते हैं कि वाक्य के अंग कितने होते हैं। तो वाक्य के मुख्यतः दो अंग होते हैं, ठीक है। वाक्य के कितने अंग होते हैं, दो अंग होते हैं। और दो कौन से होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय, ठीक है। उद्देश्य जो होता है उद्देश्य कर्ता को कहते हैं। उद्देश्य किसको कहते हैं, अगर उद्देश्य से नहीं समझ में आए तो उद्देश्य कर्ता को कहते हैं और विधेय क्रिया को कहते हैं। विधेय किसको कहते हैं, क्रिया को कहते हैं। उद्देश्य क्या होता है, कर्ता होता है और विधेय क्या होता है, क्रिया होती है। तो वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं, दो होते हैं। पहला उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है, ठीक है। अब उद्देश्य के बारे में पढ़ते हैं, उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। तो उद्देश्य वाक्य का वह अंग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। मतलब यानी जैसे राम जाता है, ठीक है, तो यानी जाने का कार्य कौन कर रहा है, कहा किसके बारे में जा रहा है, राम के बारे में कहा जा रहा है। क्योंकि उद्देश्य क्या होता है, कर्ता होता है, ठीक है। तो यानी वाक्य का वह अंग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो क्या होता है, उद्देश्य होता है। जैसे विधेय है दूसरा उद्देश्य के बारे में, मतलब किसके बारे में जो कुछ कहा जाएगा, जाने का कार्य कौन कर रहा, राम का, तो उस राम के बारे में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। अब हमें ये देखना है कि उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार क्या होता है। तो उद्देश्य का विस्तार क्या होता है कि उद्देश्य के साथ में जो भी शब्द आते हैं, मतलब उद्देश्य की जो विशेषता बताई जाती है, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है भागता हुआ चोर, तो ये भागने का कार्य कर रहा कौन है, चोर है, ठीक है। तो तुरंत पकड़ा गया, क्रिया क्या है, पकड़ा गया। जबकि तुरंत के माध्यम से क्रिया की विशेषता बताई गई, क्रिया विशेषण शब्द है, ये जो चोर है चोर भागता हुआ पकड़ा गया, ठीक है। तो उद्देश्य का अंग, ठीक है। तो उद्देश्य मतलब उद्देश्य क्या है, कौन ये है, चोर है, ये इसका विस्तार होता है। विधेय क्या है, क्रिया कौन सी है, यह है पकड़ा गया, ठीक है। जबकि ये तुरंत है क्या है, विस्तार होता है। क्योंकि ये उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य का विस्तार होता है, जबकि विधेय मतलब क्रिया के बारे में या उसमें जो भी कर्म होता है वो हमेशा विधेय के साथ ही उपस्थित रहता है। जैसे वह बेचारा क्या कर सकता था, वह बेचारा कथा को रहे यहाँ और बेचारा किसको कहा गया, इस उद्देश्य को कहा गया है। क्या कर सकता था मतलब ये करना क्या थी, क्रिया थी, विधेय है और ये उसकी विशेषता बताई गई है। वैसे देखो गीतकार श्रवणराही व्यास सम्मान से सम्मानित हुआ, ठीक है। गीतकार श्रवणराही व्यास सम्मान से सम्मानित हुआ, अब इसमें कर्ता कौन है, ठीक है, उद्देश्य कौन है, उद्देश्य श्रवण कौन है, उद्देश्य
बारे में कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य होता है, या उद्देश्य के बारे में जब कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है। ठीक है, उद्देश्य का विस्तार और विधेय के बारे में हमने पढ़ दिया कि क्रिया वाला जो पोषण होता है वो विधेय में चला जाता है, जबकि कर्ता के बारे में जब कुछ कहा जाता है तो उद्देश्य में आ जाता है। अब इसके आगे अपना जो मेन विषय है जो कक्षा 9 में हम पढ़ने वाले हैं और वो अपना है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हैं अपने 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो 8 प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला हमने पढ़ा है विधानवाचक वाक्य, पहला कौन सा है? विधानवाचक वाक्य है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य है, ठीक है। तीसरा विस्मयवाचक वाक्य है। चौथा संदेहवाचक वाक्य है। पांचवा हमने पढ़ा है आज्ञावाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है और प्रश्नवाचक वाक्य है। तो ये 8 प्रकार है। अब भी मैं आपको प्रकारों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि हमारे परीक्षा में प्रश्न ऐसे आते हैं कि विधानवाचक वाक्य को निषेधवाचक में बदलिए, निषेधवाचक को संदेहवाचक वाक्य में बदलिए, या संदेहवाचक को